A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Well, students, we learn 1 to 9 units in our previous session. Our last unit was adjectives, position of adjectives, yani ke adjectives ke sthan. Sentence mein adjectives ke sthan, position means sthan. कैसे है और कहाँ पर है वो हमने यूनिट नंबर 9 एडजेक्टिव्स पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स में देखा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स. सो बेसिकली एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है एडजेक्टिव्स. लाइक फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है एक नाउन है लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि डार्क फॉरेस्ट स्केरी फॉरेस्ट ओके एकदम से ही अगर घना जंगल है तो हम जो जंगल के आगे जो घना लगा राइट फॉरेस्ट के आगे जो डार्क लगा सो यहाँ पर डार्क क्या करता है नाउन है फॉरेस्ट राइट लेकिन डार्क फॉरेस्ट को एक अदर मीनिंग प्रोवाइड करता है जैसे कि फॉरेस्ट है लेकिन कैसा है डार्क वो फॉरेस्ट के मीनिंग में कुछ ऐड करता है ठीक है. सो हियर डार्क इज एन एडजेक्टिव्स. ओके एडजेक्टिव्स वो वर्ड है जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हो नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करते हो ठीक है. सो हमने एडजेक्टिव्स के बारे में देख लिया. देन डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. Degrees of comparison. So first of all we have to know what is the meaning of degrees and comparison. We already learn in our third standard that what is the meaning of degrees. Basically degrees के तो कितने सारे मतलब होते हैं. Degrees का use कई जगह पर होता है जैसे कि अगर आप कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर लो तो आप ग्रेजुएट हो तो ये भी एक डिग्री हुई. अगर आप प्रोफेसर हो तो ये भी एक डिग्री हुई ठीक है. देन अगर हम देखें तो हम टेम्परेचर का मेजरमेंट भी कहाँ से करते हैं डिग्रीज से करते हैं. और आपने ये भी सुना होगा कि भाई वो चोर ने चोर की कितनी पूछताछ की गई ठीक है लेकिन वो फिर भी उसने कबूला नहीं कि उसने वहाँ पर चोरी की थी. फिर पुलिस ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया. सो व्हाट इज थर्ड डिग्री. थर्ड डिग्री मीन्स एक्सटेंशन लेवल ऑफ टॉर्चरिंग. ओके फिर इतना टॉर्चर किया चोर को इतना मारा थर्ड डिग्री की पनिशमेंट दी कि उसने बोल दिया. सो वी कैन यूज डिग्री इन अदर अदर सेंस. ओके बट हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रीज. डिग्रीज के मतलब तो कई सारे हैं लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ डिग्रीज what is the role of comparison. okay so here degrees means extension level of extension. we will know details in degrees with more examples. and then comparison. so comparison ka ek simple sa meaning hai. comparison means naap tol karna compare karna tulna karna. tulna kab hoti hai ek ki एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ ही तुलना हो सकती है. अकेला अकेला इंसान तो अपनी या फिर अकेले अकेली वस्तु तो अपनी कोई कंपैरिजन कर नहीं सकती ठीक है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन मींस तुलना करना. हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यानी कि कंपैरिजन करनी है किसकी डिग्रीज की. एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3 degrees. हाउ मैनी डिग्रीज 3 degrees. कंपेरेटिव डिग्री superlative degree and positive degree. okay 3 degrees of comparison we have to learn in this chapter. positive degree comparative degree and superlative degree. okay now we are going to start to learn about degrees. so first positive degree. What is the meaning of positive degree? Used when no comparison is made. Used when no comparison is made. जब कोई भी comparison ना करनी हो तब कौन सी degree का use होता है पॉजिटिव डिग्री. कौन सी डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का ठीक है. जैसे कि मर्क्यूरी इज अ स्मॉल प्लैनेट.
मर्क्यूरी इज अ स्मॉल, यहाँ पर सिर्फ मर्क्यूरी के बारे में ही बताया गया है, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हुए। मर्क्यूरी को एक छोटा सा प्लैनेट दिखाया गया है कि भाई मर्क्यूरी एक छोटा सा प्लैनेट है। सो जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी कंपैरिजन ना हो, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात की गई हो, तब कौन सी डिग्री है ये? पॉजिटिव डिग्री। ओके, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसका मतलब है यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब कोई भी कंपैरिजन ना करनी हो तब कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव डिग्री का। ओके, एग्जांपल, मर्क्यूरी इज अ स्मॉल प्लैनेट। यहाँ पर मर्क्यूरी को एक स्मॉल प्लैनेट बताया गया है और मर्क्यूरी की कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं हुई है। जब कुछ ऐसी तरह की वाक्य रचना हो तब ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है? पॉजिटिव डिग्री का। ओके, नाउ सेकंड डिग्री इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मीन्स, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, कंपैरेटिव डिग्री इसका नाम है, सो ऑब्वियसली कुछ कंपैरिजन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, इसका नाम ही कंपैरेटिव डिग्री है तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन से ही रिलेटेड होगा। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव डिग्री? मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन टू और मोर थिंग्स, देखिए आई रिपीट इट अगेन, टू और मोर थिंग्स, पीपल, places, ideas are compared, not only about the living things but also about non-living things, यानी कि neuter things, okay? जब किसी जीवित या निर्जीव, इंसान, place, thing या फिर ideas जो हम mentally सोचते हैं, okay? इनकी अगर हमें comparison करनी है जबकि वो दो से एक से ज़्यादा है, अच्छा, दो चीज़ों की कंपैरिजन करनी है या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों की अगर हमें कंपैरिजन करनी है, ठीक है, तब कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री। And what is the meaning of comparative degree? Used when two or more things, people, places, ideas are compared. Okay, in this unit we have to learn the uses of these three degrees: positive degree, comparative degree and the last superlative degree. So what is the meaning of comparative degree? Used when two or more things, people, places, ideas are कंपेयर्ड। ओके, जब इन सारी चीज़ों की कंपैरिजन करनी हो तब हम कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, वी विल नो इट बेटर विथ एन एग्जांपल, एंड हियर इज द एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल, मर्क्यूरी इज smaller than earth. Look over here, the first sentence is about only mercury. Okay, the first sentence of positive degree is only about mercury, and in the second sentence there are comparison between mercury and earth. Comparison between mercury and earth, two or more object,
अगर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन दिखानी हो तो हम कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर क्या कहा गया था? मर्क्यूरी इज अ स्मॉल प्लैनेट, मर्क्यूरी एक छोटा सा ग्रह है, एंड हियर मर्क्यूरी इज स्मॉलर देन अर्थ। मर्क्यूरी अर्थ से भी छोटा प्लैनेट है। देखिए यहाँ पर किसी के साथ मर्क्यूरी की कंपैरिजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मर्क्यूरी की कंपैरिजन किसके साथ है? अर्थ के साथ। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की गई हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छा या तो उससे कम अच्छा या तो बुरा दिखाना हो, तब कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होता है? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, जब किसी की कंपैरिजन ना करनी हो किसी के भी साथ, तब कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव डिग्री। ओके, आई होप कि पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ आवर लास्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। विच इज सुपरलेटिव डिग्री? ओके, नाउ यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, पीपल, प्लेसेस, आइडियाज टू शो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरलेटिव डिग्री? यूज टू compare more than two things, people, places, ideas to show the highest degree of quality. Here is the meaning of superlative degree, used to compare more than two things, people, places, ideas to show the highest degree of quality. यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो से ज़्यादा things, people, places, ideas, okay, same as comparative degree, okay? उन दोनों में से किसी एक को, इन सारी चीज़ों में दो में से किसी एक को अगर अच्छा दिखाना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, एंड इन सभी में से किसी एक की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिखाना हो, ठीक है? अगर दो पर्सन की बात है, लाइक सीवीज हेयर इज लॉन्गर देन किरण्स हेयर, तो यहाँ पर दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हुई, सीवी के और किरण के हेयर के बीच में। सो ये सेंटेंस किस डिग्री का हुआ? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सीवीज हेयर इज लॉन्गेस्ट देन ऑल द गर्ल्स, जबकि दो से ज़्यादा प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स या तो फिर आइडियाज़ के बीच में कंपैरिजन हो और किसी एक को, दो हो तो भी किसी एक को और दो से ज़्यादा हो तब भी किसी एक को, और सारे के सारे होल का अगर वर्णन किया गया हो और उसमें से भी किसी एक को अगर हाईएस्ट, उसकी क्वालिटी को अगर हाईएस्ट लेवल पर दिखाना हो, तब कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होगा? सुपरलेटिव डिग्री का। ऑलराइट, वी विल नो सुपरलेटिव डिग्री विथ वन मोर एग्जांपल। मर्क्यूरी is the smallest plant in our solar system.
Look over here. Used to compare more than two things, people, places, ideas to show the highest degree of quality is superlative degree. An example is Mercury is the smallest planet. Smallest planet in our solar system. What it said, Mercury पूरे के पूरे solar system में सबसे छोटा ग्रह है. देखिए first sentence, Mercury is a small planet. Okay? Mercury is a small planet. यहाँ पर Mercury की comparison किसी के साथ नहीं है, सिर्फ एक positive statement दिया गया है कि भाई Mercury नाम का जो planet है वो छोटा है. Mercury is small planet. किसी के साथ इसकी कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई Mercury नाम का जो ग्रह है वो सबसे वो छोटा है. Mercury is small planet. Okay? Now, second, Mercury is smaller than Earth. यहाँ पर Mercury की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? Earth के साथ. जब किसी भी when two or more things, people, places, ideas are compared. जब दो से ज़्यादा चीज़ें places, things या फिर ideas की comparison एक दूसरे के साथ करनी हो तब हम कौन से degree का use करेंगे? Comparative degree. Mercury is smaller than Earth. Mercury की comparison किसके साथ की गई है? Earth के साथ. Then superlative degree. Used to compare more than two things, people, places and ideas to show the highest degree of quality. जब दो से ज़्यादा things, people, places या तो फिर ideas की comparison करके उसमें से किसी एक की quality को सबसे ज़्यादा highest दिखाना हो, okay? या तो दो से ज़्यादा में या तो फिर overall whole में. जब किसी एक की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिखाना हो तब हम किस डिग्री का यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री. विथ एग्जांपल, मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. देखिए यहाँ पर मर्क्यूरी की कंपैरिजन किसी के साथ नहीं थी, यहाँ पर मर्क्यूरी की कंपैरिजन अर्थ के साथ थी एंड यहाँ पर मर्क्यूरी की कंपैरिजन होल यूनिवर्स में आए सोलर सिस्टम के साथ है. ओके? कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर ये मर्क्यूरी नाम का जो ग्रह है वो सबसे छोटा है. सो जब किसी एक चीज़ के क्वालिटी को हाईएस्ट लेवल पर अच्छा या फिर बुरा दिखाना हो किसी एक को सब में से तब हम कौन से डिग्री का यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री. आई होप कि ये तीनों डिग्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. Okay students, now we will learn more examples of those degrees, positive, comparative and superlative. Okay, हम उनके adjectives देखेंगे क्योंकि हमारे unit का नाम ही है adjectives of degrees of comparison. Comparison degrees में use होते adjectives के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So here, adjectives of comparison, okay, adjectives of degrees of comparison means कि जब सेंटेंस में हम इन तीनों डिग्रीज में उन एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं तब उनका फॉर्मेशन कैसे चेंज होता है. ओके? सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट शॉर्ट एडजेक्टिव्स, जो छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर हम एडजेक्टिव का यूज़ करें, ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट कंट्री. न्यू, आई हैव अ न्यू ड्रेस. ओके? सो ये दोनों एडजेक्टिव है वो किस डिग्री के एडजेक्टिव हुए? पॉजिटिव डिग्री के. लेकिन अगर हमें इन्हीं वर्ड्स का यूज़, इन्हीं एडजेक्टिव का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए करना है कंपैरेटिव डिग्री में, ओके? सो हम ग्रेट का और न्यू का कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? सो ग्रेट के पीछे क्या लग जाएगा? ई आर. क्या लगेगा? ई आर.
ग्रेटर, ओके, ग्रेट का क्या हो गया ईयर, किस में, कंपेरेटिव डिग्री में, एंड न्यू का क्या हो गया न्यूअर, किस में, कंपेरेटिव डिग्री में, ओके. और उन्हीं दोनों शॉर्ट एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करते वक्त क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, एंड न्यू का क्या हो जाएगा, न्यूएस्ट, ओके. सो ये एग्जाम्पल किस डिग्री के हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री ग्रेट न्यू, कंपेरेटिव डिग्री ग्रेटर न्यूअर, एंड सुपरलेटिव डिग्री में ग्रेटेस्ट एंड न्यूएस्ट. ये ओनली एडजेक्टिव्स है, इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये हम आगे देखेंगे, ठीक है. अगर शॉर्ट एडजेक्टिव है तो उनके पीछे ईआर लगा देने से कंपेरेटिव और ईएसटी लगा देने से सुपरलेटिव बन जाता है, ठीक है. अब जो एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ईआर, एलई, ओआर या तो ओ डब्ल्यू, जिन एडजेक्टिव के एंड में इन वर्ड्स में से ईआर, एलई, ओआर एंड ओ डब्ल्यू आता हो, तो उनको हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्म करते वक्त क्या चेंजेस करते हैं ये देखते हैं. जैसे कि पॉजिटिव में है क्लेवर एंड सॉरी हाँ पॉजिटिव में है क्लेवर, सिंपल एंड नैरो. तो इनका हम देखिए यहाँ पर क्या आया, ईयर, एल ई, एन ओ डब्ल्यू. जब ऐसे एडजेक्टिव आए जिनका एंड ईयर, एल ई, ओ आर या फिर ओ डब्ल्यू हो, तब इसे हम कंपेरेटिव में ट्रांसफॉर्म करते वक्त क्या करेंगे, क्लेवर का बन जाएगा क्लेवरर, देन सिंपल का बन जाएगा सिंपलर, एंड नेरो का बन जाएगा नेरोअर. और इन सभी को हम ईएसटी लगाएंगे सुपरलेटिव में, क्लेवरेस्ट, सिंपलेस्ट, एंड नैरोएस्ट. सो ये हुई हमारी पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. नाउ लॉन्ग एडजेक्टिव्स, ओके, लॉन्ग एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव में से कंपेरेटिव या फिर सुपरलेटिव बनाते वक्त क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. तो जैसे कि हमारे पास एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, किरण इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, किरण इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. जब ऐसे लॉन्ग एडजेक्टिव का यूज हो तब उसको कंपेरेटिव करने में, कंपेरेटिव डिग्री में ट्रांसफर करते वक्त हम इसके आगे क्या लगा देंगे, मोर, मोर ब्यूटीफुल, किरण इज ब्यूटीफुल, किरण इज मोर ब्यूटीफुल देन सिया, ओके. एंड सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करते वक्त किरण इज मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग ऑल दिस गर्ल्स, ओके. सो ये हुआ हमारा पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. Students, a few adjectives change completely when turned into comparative and superlative forms. कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ er या तो est लगा देने से comparative या superlative नहीं बनते, बल्कि वो completely change ही हो जाते हैं. जैसे कि good के पीछे er लगा दो तो comparative नहीं बनता, gooder, okay? या goodest, ऐसा कोई word नहीं है. अगर गुड पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर अगर गुड है तो उसका हमें कंपेरेटिव करना है, तो गुड का क्या हो जाता है, बेटर, एंड सुपरलेटिव क्या हो जाता है, बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट. वैसे ही बैड वर्स रोस्ट, ओके, वैसे ही लिटिल लेस लिस्ट, ये इनके पॉजिटिव फॉर्म है, ये कंपेरेटिव एंड ये सुपरलेटिव, ओके. देन मैनी एंड मच,
इनको अगर हम कंपेरेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मैनी एंड मच का कंपेरेटिव क्या हो जाता है? मोर। एंड सुपरलेटिव क्या हो जाता है? मोस्ट। ओके, सो ये फ्यू रूल्स है अबाउट चेंजिंग द डिग्रीज, उनका फॉर्मेशन है जो कि चेंज होता रहता है कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, सो अबाउट एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपेरिशन ऑलमोस्ट ऑल द एक्सप्लेनेशन इज डन। नाउ दिस इज टाइम फॉर योर होमवर्क। सो टुडेज योर होमवर्क इज राइट क्वेश्चन नंबर ए ऑफ यूनिट नंबर 10, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पेज नंबर 29, योरसेल्फ इन रफ बुक। आपको क्या करना है आज के होमवर्क में कि पेज नंबर 29 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर ए है, फोकस उसको आपको ट्राई करना है सॉल्व करने को, और उसको आपको कहाँ पर लिखना है? आपकी रफ नोटबुक में। ओके, रफ नोटबुक में, याद रखिए रफ नोटबुक में ही लिखना है आपको एज अ होमवर्क। ट्राई कीजिए कि आपसे ये होता है या नहीं रिलेटेड दिस यूनिट। ओके, सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।